श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज बहुत ही अच्छा उपाय मैं बताने जा रही हूँ। ये जो उपाय है उन लोगों के लिए है जिनको धन संबंधी प्रॉब्लम आ रही है, यानी आप बहुत मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन जो है फिर भी आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, लक्ष्मी नहीं आती है। अगर पैसा आता भी है तो बहुत ज़्यादा खर्चा आपका हो जाता है, आमदनी से ज़्यादा खर्चा है। तो उन लोगों के लिए गुरुजी ने बहुत ही सुंदर और सरल उपाय बताया है। सोमवार के दिन आपने जो है इस उपाय को प्रदोष काल के समय आपने करना है। उपाय आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, कोई मुश्किल उपाय नहीं है, बहुत ही अच्छा उपाय। शिव महापुराण में वर्णित ये उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपने जो है एक जल का पात्र लेना है, कोई भी जल का पात्र आप ले लीजिए। उसमें आपने जो है थोड़ा सा लाल चंदन जो है वो आपने डाल लेना है। अब लाल चंदन की एक लकड़ी भी मिल जाती है, उसको घिसकर भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर मार्केट से आपको पाउडर के रूप में भी लाल चंदन मिल जाता है। तो थोड़ा सा लाल चंदन आपने जो है उस जल में आपने अर्पण कर लेना है। फिर आपने सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपने जो है जाना है शिव मंदिर के पास, जहाँ पर बेलपत्री का पेड़ लगा हो। शिव मंदिर के पास ही बेलपत्री का पेड़ लगा हो, वहाँ पर आपने जाकर उस लाल चंदन वाले जल को अपनी कामना के साथ, जो भी आपकी काम में अड़चन आ रही है, जो भी आपकी कामना है, उस कामना के साथ आपने जो है उस लाल चंदन वाले जल को बेलपत्री की जड़ में आपने समर्पित कर देना है। और ऐसा जो है आप हर सोमवार को प्रदोष काल के समय करना शुरू करें। धीरे धीरे आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी धन संबंधी दिक्कत है, रुके हुए जो काम है, वो भी आपके बनने लगेंगे, भोलेनाथ की कृपा आप पर होने लगेगी। तो बहुत ही सुंदर और सरल उपाय है, अवश्य इस उपाय को करिए और भोलेनाथ की भक्ति के साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव।